हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोग्रोजी। फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के नए स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 7HD के बारे में। फ्रेंड्स, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 को काफ़ी पहले लॉन्च किया गया था और 7HD को लॉन्च कर दिया गया है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, डिजाइन काफ़ी बेहतरीन है, कलर वेरियंट भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर, इस प्राइस रेंज में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलना मुश्किल होता है, वो भी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। चलिए डिटेल से बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाएगा। और डिस्प्ले के साइज की बात करें तो 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी। और इसमें आपको जो पैनल मिलने वाला है वो IPS पैनल मिलने वाला है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। कलर वेरिएंट की बात करें, इसको 4 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। ये पहला कलर है सिल्क ब्लू, दूसरा है ग्रीन एप्पल, और तीसरा है इंक ब्लैक, और चौथा कलर जो है फ्रेंड्स, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जेड वाइट। चारों कलर वेरिएंट में आपको जो पसंद आए आप उसमें से चूज कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको यूनिकॉर्स XC9863A का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए ठीक ठाक होता है। और यह स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो ओक्टा कोर प्रोसेसर है, और यह 12nm आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। बात करें रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, इसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसमें आपको वर्चुअल रोम 2GB और 2GB फिजिकल रैम मिलेगा, जिससे यह स्मार्टफोन की रैम 4GB होती है। 4GB इसमें आपको डेडिकेटेड नहीं मिलेगा। बाकी इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, जिसको आप स्मार्टफोन को 512GB तक का स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो कैमरा मॉड्यूल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कैमरा का सेंसर जो है मेन सेंसर वो 8MP का है, और दूसरा जो सेंसर है वो एक AI लेंस है। तो पिक्चर क्वालिटी आपको कैमरे की बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। सेल्फी कैमरे की बात करें, इसका जो सेल्फी कैमरा है वह 5MP का है, और सेल्फी कैमरे की पिक्चर क्वालिटी भी ठीक है। बैटरी आपको इसमें दोस्तों काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी, इसमें आपको बैटरी मिल जाएगी 5000mAh की। इस 5000mAh बैटरी के साथ स्मार्टफोन की जो होती है बैटरी लाइफ, वो 1 से 1.5 दिन तक बड़े आसानी से आप चला सकते हैं बिना दोबारा चार्ज किए हुए। बाकी आप इसमें आपको सिक्योरिटी के तौर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग फीचर भी मिल जाएगा। वैसे इस प्राइस पॉइंट पर फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको दिया जा रहा है। बाकी बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, इसमें आपको एंड्रॉयड 13 गो एडिशन मिलेगा। गो एडिशन का ये फ़ायदा है फ्रेंड्स कि कम रैम वाले स्मार्टफोन में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रन करता है। बाकी इसमें आपको जो OS होगा वह XOS होगा 12, जो कि इन्फिनिक्स के सभी स्मार्टफोन में आता है, और यह वेल ऑप्टिमाइज पहले से काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज हो गया है। अब बात करते हैं मेन इसके प्राइसिंग की। आपको विश्वास नहीं होगा फ्रेंड्स, स्मार्टफोन को आप सिर्फ 5399 रुपये में खरीद सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे फीचर के साथ 5399 रुपये में स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।